ये खाला भांजी तो साम के गले का छछूंदर बन गई हैं, ना उगली जाती है ना निगली जाती है। सुनो, अब इस फसाद का कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए। क्या सदेबाब होना चाहिए? एक ही तो रोना है कि इस घर में जो भी हो रहा है वो होने दिया जा रहा है। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अच्छे, क्या कहना चाह रहा है? वो माँ बनकर सारे नंबर ही ले गई है, उसके तो पर निकल ही गए हैं, लेकिन उसकी शय में आके उसकी जो वो चिंचनी बूथनी भांजी है उसके भी पैर नहीं टिकते जमीन पे। तो हल है ना मेरे पास, कब से कहना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, बल्कि माहौल ही नहीं बन रहा था। ये मुंह से फूट, क्या पहेलियां बुझवाता है? इसीलिए तो कह रहा हूं, नूर बहुत उड़ रही है ना, उसके पर काट कर मेरी सुपुर्दगी में दे दें। आप आसान उर्दू में बताएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेहरबानों को दबाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है, नूर को मेरे निकाह में दे दें। ऐसी जबान गुद्दी से खींच कर निकालूंगा कि याद करेंगे। आलम बालम असगर अली मेहता। वैसे जायदाद के हिस्सेदार है, सब माल घर में ही आ जाएगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? हम तो चले अपने बाग की सैर पे। मुबारक हो मेहरान भाई, जानते हैं मैं खाला बन गई हूं। मुबारक हो मेहरान भाई, जानते हैं मैं खाला बन गई हूं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी खबर मिली कि तुम्हारी जात की तकमील हो गई। तुम एक प्यारे और सेहतमंद बच्चे की माँ के मनसब पर फाइज हो गई हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ढेरों खुशियों का बाइस बने और तुम औलाद की रहमत से फैज़याब हो।